नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो जैसे रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSCGL, CPO, MTS, CSL, DRDO, MTS, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सेवक, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, सीटेट, अस्टेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, या कोई फोर्स एग्जाम या फिर कोई बैंक का एग्जाम है, जहां जीके आते हैं सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी SSC एग्जाम्स की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए टॉप बैच लेकर आया टॉप एजुकेटर के साथ, जो स्टार्ट हो रहे 17 फरवरी से, जिसके अंदर SSC एग्जाम्स का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तभी से फ्रेंड्स आप लोग ज्वाइन करेंगे और बेस्ट एजुकेटर के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। वही फ्रेंड्स सशक्त बैच आ गया है SSCGL एग्जाम के लिए, 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। वही SSCGL बैच आ गया है 17 फरवरी से। वहीं CET मास्टर बैच आ गया सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 17 फरवरी से स्टार्ट हो, तो अभी से आप लोग ज्वाइन करेंगे। कुछ फ्रेंड्स बेनिफिट हैं सभी प्लस सब्सक्रिप्शन की, याद रखना डेली आपको शेड्यूल लाइव क्लास यहां मिलने वाली है, लाइव टेस्ट क्विज आपको यहां पर मिलेंगे। जैसे आप लोग फ्रेंड्स क्लास कंप्लीट करेंगे तुरंत बाद आपको डिटेल रिपोर्ट और एनालिसिस मिलेगा PDF फॉर्मेट में। डेली आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने बेस्ट एजुकेटर के साथ। यही नहीं फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, इनमें से अगर आप लोग कुछ कोई भी इनमें से प्लान लेते हैं तो गुरुकुल कोड के माध्यम से आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और फ्रेंड्स डिस्काउंट का जो ऑफर है बहुत जल्द बंद होने वाला है, हटने वाला है, तो अभी से आप लोग ज्वाइन करेंगे। इनमें से कोई भी प्लान लेंगे 2 साल का, 1 साल का बहुत प्रॉफिट मिलेगा और 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। सभी लिंक और मेरा जो रेफरल कोड है वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया, तो अभी से आप लोग ज्वाइन करें। चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, कितना भाग रहता है पानी के ऊपर, 1/10, 1/10 भाग, कौन सा 10वां भाग, सी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है, मोस्ट वीवाई क्वेश्चन जल्दी से आंसर देंगे फ्रेंड्स। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है, तेल गिराते हैं, ये रहेगा राइट आंसर तेल। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, जी हाँ फ्रेंड्स याद रखना वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यहां पर 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है, तो ये हैं मोरारजी देसाई भारत में, डी रहेगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, कितनी बैठक होनी चाहिए, 2 बार, बी रहेगा राइट आंसर 2 बार बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है फ्रेंड्स अमरनाथ गुफा, यानी ए रहेगा राइट आंसर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है, क्या है, मेरा भारत महान, यह है भारतीय सेना का नया आधार गीत, ए रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, किस फसल के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी, तो फ्रेंड्स कपास के लिए उपयुक्त है, डी रहेगा राइट आंसर कपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है, क्या है, पैराफिन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, सी रहेगा राइट आंसर पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है, तो धान की खेती करना, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में, यानी बी रहेगा राइट आंसर एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसिटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में, क्या, एसिटम, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
दवा बनाने में कौन काम में आता है? दवा बनाने के काम में कौन आता है? बेंजोई कमल काम आता है दवा बनाने के। यानी फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर बेंजोई कमल। नेक्स्ट है, शौचालयों में दुर्गंध नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्थो क्लोरोफिनोल का प्रयोग किया जाता है शौचालयों में दुर्गंध नाशी के रूप में। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, आर्थो क्लोरोफिनोल। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। यानी ए होगा राइट आंसर, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? जी फ्रेंड्स क्या है? तो याद रखना फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। डी रहेगा राइट आंसर, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह करता है? तो याद रखना वरुण ग्रह करता है हरा प्रकाश उत्सर्जित। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? कहाँ? पूना में स्थित है टावर ऑफ साइलेंस। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पूना। नेक्स्ट है, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? कहां पर? तो फ्रेंड्स याद रखना अहमदाबाद में स्थित है हाथी सिंह मंदिर। यानी बी रहेगा राइट आंसर, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? जिसने स्थायी सेना रखी, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो फ्रेंड्स ये सुलेखन में। यानी डी रहेगा राइट आंसर, सुलेखन, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट दिया है, तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया कि तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद के शासन काल में। किसके शासन काल में? नसरुद्दीन महमूद के शासन काल में। बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? किसने किया था फ्रेंड्स पराजित? भीम द्वितीय ने किया था। सी होगा राइट आंसर, भीम द्वितीय। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश था। यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर, संगम वंश। नेक्स्ट है, किसके मकबरा में पहली बार दो गुंबदों का प्रयोग किया गया? किसके मकबरा में? सिकंदर लोदी के मकबरा में पहली बार दो गुंबदों का प्रयोग किया गया। यानी बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो फ्रेंड्स भारत में है विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं। डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेंद्रीय उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। यानी ए ऑप्शन रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कुल्लू घाटी है। यानी फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री 23 ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। यानी ए रहेगा राइट आंसर, कर्क रेखा। नेक्स्ट है, 23 ही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। यानी बी रहेगा राइट आंसर, मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? कौन है फ्रेंड्स? हीलियम है सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व। तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? कितना होता है? 150 ग्राम 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार लगभग, ठीक है। यानी ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है?
अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट, यानी डी रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोल गैस किसका मिश्रण है? किसका है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन और मीथेन का, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, H2, हाइड्रोजन और मीथेन CH4, सी रहेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखना आप लोग, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, दिया क्या गया है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? कैसा कण है न्यूट्रॉन? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप याद रखना, न्यूट्रॉन पूछा है कैसा कण है, तो याद रखना आप लोग, आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। कैसा है? आवेशहीन, यानी सी होगा राइट आंसर, आवेशहीन। नेक्स्ट है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गैसोलीन किसका अवयव है? किसका अवयव होता है गैसोलीन? तो ये होता है कच्चे तेल का। जी फ्रेंड्स, ये रहेगा राइट आंसर, कच्चा तेल। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते, कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? कितने? चार हृदय। जी फ्रेंड्स, माफी चाहते, चार कक्ष होते, ठीक ना, मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चार कोष्ठक। नेक्स्ट है, संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था संविधान बनाने में? तो फ्रेंड्स 13 कमेटियों का गठन किया गया था संविधान बनाने में, तो बी रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, 25। पहले कितने थे? पहले 22 थे, अब 25 हो गए हैं, तो डी रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? कौन सा संविधान संशोधन? 42वां, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? किस देश के संविधान से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से, यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भाग से प्राप्त होता है? किस भाग से प्राप्त होता है? गोंडवाना से प्राप्त होता है भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, गोंडवाना से। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष? 1911 में, 1911 में हुई थी फ्रेंड्स गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। नेक्स्ट है, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग या गरसोपा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 1806 में, यानी ए रहेगा राइट आंसर, 1806 में हुआ था, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, बी रहेगा राइट आंसर, चीन, ठीक है। नेक्स्ट है, रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है रघुवंशम के लेखक, यानी सी रहेगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्यू शब्द का संबंध किससे है? क्यू शब्द का संबंध किससे? बिलियर्ड से, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, यहां पर बिलियर्ड्स। नेक्स्ट है, हाफ मैन कप का संबंध किससे है? हाफ मैन कप का संबंध है टेनिस से, यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर, टेनिस से। नेक्स्ट है, देखिए, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखना, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है यूएसए, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
जी हाँ, याद रखना, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट है, संगमरमर किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये है कायंत्रित चट्टान का। ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, संगमरमर किसका उदाहरण है? ये है कायंत्रित चट्टान का। डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? हिमसादन के द्वारा होता है यू आकार की घाटी का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, हिमसादन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बैरन द्वीप? तो फ्रेंड्स ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है बैरन द्वीप। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, दस्त ए लुत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स दस्त ए लुत मरुस्थल? तो ये है पूर्वी ईरान में, यानी फ्रेंड्स ए होगा राइट आंसर, पूर्वी ईरान। नेक्स्ट है, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? तो ये होती रहती है विषुवतीय जलवायु प्रदेश में, यानी ए रहेगा राइट आंसर, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदेश खट्टे तथा रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्रदेश है? तो फ्रेंड्स ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है, खट्टे तथा रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, भूमध्य सागरीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को कहा जाता है परिश्रम का क्षेत्र। ऑप्शन डी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स अंटार्कटिका में, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है, किस राज्य में है? असम राज्य में है फ्रेंड्स सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, असम राज्य। नेक्स्ट है, बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है बाकुस्तान? तो यह है पेट्रोलियम के लिए, यानी ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बाकुस्तान। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, नई दुनिया का महाद्वीप किसको कहा जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर देंगे। देखिए, नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है नई दुनिया का महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, कौन करता है अलग श्रीलंका को भारत से? तो ये करता है फ्रेंड्स पाक जल डमरू, यानी ए रहेगा राइट आंसर, पाक जल डमरू अलग करता है श्रीलंका को भारत से। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जी हाँ, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील में, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, मानसरोवर झील। नेक्स्ट दिया है, सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होता है, सबसे अधिक कहवा किस राज्य में होता है? ये होता है कर्नाटक राज्य में, यानी फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार की चट्टान है, किस प्रकार की चट्टान है फ्रेंड्स कोयला? तो यह है अवसादी चट्टान है कोयला, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अवसादी। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये नर्मदा है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, नर्मदा, याद रखना। नेक्स्ट है, पोरो का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है, पोरो का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये मेघालय को कहा जाता है पोरो का स्कॉटलैंड, यानी ए रहेगा राइट आंसर, मेघालय। नेक्स्ट है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? जी फ्रेंड्स कौन है? मध्य प्रदेश है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भूकंप तरंग मापी यंत्र क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है भूकंप तरंग माप यंत्र को? सीस्मोग्राफ कहा जाता है फ्रेंड्स, बी होगा राइट आंसर, सीस्मोग्राफ, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है,
किस देश में? बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आसवन बांध किस नदी पर बना है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। आसवन बांध पूछा है किस नदी पर बना है, तो ये बना है नील नदी पर, यानी फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर, नील नदी। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी फ्रेंड्स, मेडागास्कर है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, यानी ए रहेगा राइट आंसर, मेडागास्कर। नेक्स्ट देखिए क्या है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? कौन है? मृत सागर है सबसे लवणीय सागर, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, मृत सागर बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, झीलों का देश किसको कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश, ए रहेगा राइट आंसर, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? जी फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है, यानी फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर, यहां पर अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, क्रीबा बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर फ्रेंड्स स्थित है क्रीबा बांध? जाम्बेजी नदी पर, यानी फ्रेंड्स ए होगा राइट आंसर, जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट है, जीरो डिग्री अक्षांश, जीरो डिग्री अक्षांश तथा जीरो डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा किस महासागर की है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस महासागर की है? प्रशांत महासागर की, यानी बी रहेगा राइट आंसर, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, रणथंबोर वन्य प्राणी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है रणथंबोर वन्य प्राणी अभयारण्य? टाइगर के लिए, बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोगों फ्रेंड्स याद रखना, क्वेश्चन ने पूछा कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, तो फ्रेंड्स ये व्यास नदी पर है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, व्यास नदी। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन ने पूछा है कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है, तो फ्रेंड्स थीन बांध पूछा है, तो यहां पर हमारा आंसर बनेगा रावी नदी। थीन बांध रावी नदी पर है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, और ये पंजाब के पठानकोट जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का अंतर होता है एक डिग्री देशांतर में, ए ऑप्शन रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोरो का बोस्टन किसको कहा जाता है? पोरो का बोस्टन फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को पोरो का बोस्टन कहते हैं, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अहमदाबाद। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? जी फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे? नेफा के नाम से, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, नेफा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी कौन सी है? तो फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी है भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी, ए रहेगा राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? किन दो राज्यों के बीच है कावेरी जल विवाद? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक सिंह वाला गैंडा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोग, एक सिंह वाले गैंडे के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, एग्जाम में आए। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है फ्रेंड्स? असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में है?
जी हाँ, राजस्थान में है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क, यानी ये रहेगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है, सबसे उच्च कोटि का कोयला किसको माना जाता है? किसको मानते हैं सबसे उच्च कोटि का कोयला? एंथ्रासाइट को माना जाता है फ्रेंड्स, सबसे उच्च कोटि का कोयला। डी हो जाएगा आज राइट आंसर, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण? तो फ्रेंड्स, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, यानी डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आग्नेय। नेक्स्ट है, सवेज नहर का निर्माण कब हुआ था? जी हाँ, सवेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में, तो बी रहेगा राइट आंसर यहां पर, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह हुआ था 1956 में, 1956 में हुआ था सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण। सी रहेगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? जी हाँ, 1914 में, 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। ए ऑप्शन रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस। डी होगा राइट आंसर, 22 मार्च। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, यानी बी रहेगा राइट आंसर, गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु, याद रखना आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, और जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।